नमस्कार सभी को। आज एपीएससी नामांकन फॉर्म 2022 के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि फॉर्म कैसे भरें उसकी पूरी जानकारी और स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक की पूरी जानकारी देंगे। स्लिप कैसे प्रिंट होगी, फीस कितना लगेगा और डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उसकी भी पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने ब्राउजर में आ चुके हैं। गूगल में सर्च करेंगे ISMS। जैसे ही हम गूगल में सर्च करेंगे ISMS MP ऑनलाइन, और जैसे सर्च करेंगे हमारे सामने इस प्रकार रिजल्ट खुलेगा। पहले वाले पर क्लिक करेंगे और यहाँ सीधे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर चले जाएंगे। यहाँ पर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जाने के बाद हम APS यूनिवर्सिटी चुनेंगे और सीधे यहाँ पर अपनी कॉलेज का नाम सेलेक्ट, कॉलेज अच्छे से देख लेंगे, अपनी कॉलेज को हम सेलेक्ट कर लिए और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर डाल लेंगे। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर हमने डाल दिया जो एडमिशन के टाइम किए थे। इसके बाद हम डालेंगे जन्मतिथि। एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालने के बाद हम सबमिट बटन कैप्चा भरेंगे। कैप्चा भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया और डाटा खुल गया। और डाटा खुलने के बाद अब यहाँ पर आवश्यक जानकारी भरेंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर हो गया, मदर नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया। यहाँ पर हम मोबाइल नंबर भरेंगे, फिर मदर नेम, ईमेल आईडी और यहाँ पर पता डालने के लिए दिया है हाउस नंबर, कॉलोनी, सिटी एड्रेस। चलिए हम इसको डालने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर हम एड्रेस डाल रहे हैं, एड्रेस जल्दी से डाल देंगे। यहाँ पर एड्रेस के बाद सेलेक्ट करेंगे स्टेट MP। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद पिन कोड डालेंगे। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पर यूजर आईडी बनाने के लिए कह रहा है, तो यूजर आईडी में हम कुछ भी बना देंगे, जैसे कि मोबाइल नंबर या इस रजिस्ट्रेशन नंबर को ही बना सकते हैं। तो आप अपने इच्छा अनुसार ईमेल यूजर आईडी बना सकते हैं। अपने इच्छा अनुसार यूजर आईडी यहाँ पर आप बना दीजिए। हमने इसी को पेस्ट कर दिया, जैसे कि हम मोबाइल नंबर बना रहे हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर को हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया और ये हमारा यूजर आईडी हो गया। उसके लिए पासवर्ड, स्ट्रांग पासवर्ड डालना पड़ेगा, जैसे कि हमने कुछ भी जिसका नाम है RAM@123 या RAM@ABC, ऐसे ABC@123 इस प्रकार से हमने पासवर्ड डाल के कंफर्म कर दिया। इसका हिंट क्वेश्चन में डालेंगे। हिंट क्वेश्चन में हम बर्थ सिटी सेलेक्ट करके बर्थ सिटी में कुछ भी डाल देते हैं। इसके बाद हम बर्थ सिटी डालते हैं। यहाँ पर बर्थ सिटी डालने के बाद हम यहाँ पर फोटो अपलोड इमेज पर आकर हम इमेज अपलोड करेंगे। यहाँ पर इमेज अपलोड करने के लिए आ रहा है। यहाँ पर हम इमेज को बना के रखे हैं 50 KB के अंदर JPG फॉर्मेट में इमेज बना के रखे हैं। उसे हम इमेज इसे चॉइस फाइल पर जाके अपलोड करेंगे। डेस्कटॉप पर हमने फाइल सेव करके रखा है, उसे हम ओपन करेंगे। वहाँ पर उसे ओपन करते हैं और हम ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। हम इसे क्रॉप करके और बना लेंगे और ये फाइल ओपन हो गई यहाँ पर। इसके बाद अब सीधे सब चेक करने के बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सारा चीज़ चेक कर लिए हैं। इसके बाद अब हम सब ऊपर से नीचे तक चेक करने के बाद अच्छे से चेक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक किए। यहाँ पर बता रहा है कि आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन गया। आप देख सकते हैं कि योर यूजर आईडी एंड पासवर्ड हैज बीन क्रिएटेड, काइंडली लॉग इन योर क्रेडेंशियल। अब लॉग इन करें तो लॉग इन करने के लिए फिर से हम यहाँ पर जाएंगे। देख सकते हैं ओके करने के बाद फिर हम यहाँ पर होम पर जाएं। होम पर जाने के बाद यहाँ लॉग इन किए, हमारी कियोस्क लॉग इन है तो कियोस्क पर गए। लेकिन अगर आपकी कियोस्क लॉग इन नहीं है तो आप डायरेक्ट लॉग इन करके यहाँ पर कियोस्क के जगह पर, जैसे यहाँ पर कियोस्क लॉग इन किए हम, तो वहाँ पर आप स्टूडेंट लॉग इन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फीस पेमेंट में गए, अवेलेबल सर्विस में गए। अवेलेबल सर्विस जाने के बाद यहाँ पर APS डाले, फिर वही प्रोसेस करेंगे जैसे कि प्रोसेस था। यहाँ पर हम फिर अपनी कॉलेज का चयन कर देते हैं, कॉलेज चुनते हैं। कॉलेज चुनने के बाद वहाँ पर हम फिर से अपना यूजर आईडी डालेंगे। यूजर आईडी ने जो एप्लीकेशन या स्कॉलर नंबर है उसको डालेंगे। एप्लीकेशन स्कॉलर नंबर डालने के बाद हम जन्मतिथि डालेंगे और हमारा डाटा हमारे सामने खुल जाएगा। कैटेगरी वाइज फीस अलग अलग भी शो हो सकती है, तो आप चिंता ना करें। शो डिटेल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर शो डिटेल पर नाम शो कर दिया, स्कॉलर नंबर शो कर दिया, एडमिशन को हम सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट ईयर सेलेक्ट करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर दिए। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा देर सर्च किया और सर्च करने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से रिजल्ट खुल गया। देख सकते हैं यहाँ पर ₹750 फीस है, पोर्टल फीस लेकर ₹40 पोर्टल फीस 790 है। यहाँ पर देख सकते हैं 30/11/2022 तक फीस पेमेंट करने की लास्ट डेट है। यह 25/10 से शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर चालू हो चुकी है। हम यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक करके हम पेमेंट कर सकते हैं। हमारे MP ऑनलाइन से है तो हम पेमेंट कर लेंगे। आप किसी भी पेमेंट माध्यम से, जैसे कि UPI, फोनपे, ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं। हम यहाँ प्रोसेस टू पेमेंट बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। हम प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक कर दिए। थोड़ी देर सर्च कर रहा है और यहाँ पर पासवर्ड डालने के लिए आएगा। हम पासवर्ड डाल के कंफर्म पेमेंट पर करने के बाद हमारा पेमेंट हो चुका है। अब पेमेंट होने के बाद रिसिप्ट हमारे सामने आ रही है। जैसे देख सकते हैं आप, हमारे सामने इस प्रकार से भुगतान हो चुका है, लेकिन रिसिप्ट जनरेट हो ही रही है। रिसिप्ट इस प्रकार से रिसिप्ट हमारे सामने आ चुकी है, देख सकते हैं। इस रिसिप्ट को प्रिंट कर देते हैं। प्रिंट करके भी रख सकते हैं या फिर
आप अगर आप दुकानदार हैं तो सीधे पीडीएफ सेव कर सकते हैं या प्रिंट कर सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। इसी प्रकार से एपीएस का एनरोलमेंट फॉर्म भरा जाएगा और फीस पेमेंट होगा। पूरी जानकारी आपको दे दिया, आप प्रिंट कर सकते हैं। और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार की जानकारी के साथ। तब तक अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।